अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मस्करियां चैनल के साथ मैं हूं किंजा फरमान। और आज का हमारा सवाल ये है कि वो क्या है जो तंदुरुस्त इंसान को बिल्कुल फ्री में मिलती है मगर बीमार इंसान को उससे लेने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आपको उसका जवाब आता होगा तो हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। हम यहाँ पर आए हुए लोगों की कॉमन सेंस जानते हैं, उनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, अभी भी रुखसाना ही है। हाँ जी। सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है मगर बीमार इंसान को उसे लेने के लिए कीमत अदा करनी मुझे बताए, मैं एक कॉमन सेंस का सवाल पूछने लगी, पूछ लूं? जी पूछे। दे देंगे जवाब? हाँ जी पूछे। अच्छा, सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है और बीमार इंसान को उसे देने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कीमत अदा करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदन फातिमा। अदन फातिमा, कहाँ से आई हैं? चिराग पार्क, शादबाग से। शादबाग से पास है या दूर है? लाहौर में ही है जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, कॉमन सेंस का सवाल पूछ लूँ? यस। पूछ लूँ? यस। डर तो नहीं लग रही? नहीं। घबरा तो नहीं लग रही? नहीं। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराना नहीं। जी पूछ लूँ? यस। अच्छा सवाल ये है कि वो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है और बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? दवाई। तंदुरुस्त इंसान फ्री में लेता है दवाई, उसने क्या करनी होती है, वो तो तंदुरुस्त होता है। नहीं आता? हार गई। कान पकड़ के कहो मैं हार गई। मैं हार गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा तुकीर। अच्छा, एक कॉमन सेंस का सवाल करना है आपसे, कर ले? कर ले। वो क्या है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? बताओ भी, आप गैस करो। बच्चों पे डाल रहे हैं। आपको आता नहीं, बच्चों को कह रहे बताओ भाई। नहीं, मुझे नहीं आता, कोई और पूछे। आपको क्यों नहीं आता? अगर आपको बाप को नहीं आता तो बच्चों को कैसे आएगा? नहीं मुझे नहीं आता, और पूछिए। नहीं यही पूछना मैंने। दोबारा पूछिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? मेडिसिन। नहीं, तंदुरुस्त इंसान फ्री में मेडिसिन लेता रहता है। आप बताइए, अगर आपको आता है तो क्या? बताओ भाई, क्वेश्चन देखो। आप बताओ मुझे क्या कह रहे हैं, तो आप इनसे क्वेश्चन करें। बताएं, सुना क्वेश्चन मेरा, कहाँ थे? यहाँ पे था। यहाँ पे किधर बताओ? तंदुरुस्त इंसान को वो चीज़ फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, क्या चीज़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली, क्या करते हैं आप? मैं जॉब भी करता था, पढ़ता भी। जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और चिड़िया घर में आए हुए हैं। बच्चों की वजह से आए हुए हैं, हमने खुद थोड़ी देखा, खुद पहले देख लिया हुआ। बच्चे जिद करते हैं, बच्चों की तरफ से हैं। बच्चे जिद करते हैं लेकिन बच्चों के बहाने खुद भी देखते हैं। खुद भी देखते हैं, जाहिर सी बात है, खुद भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे, इनके एनिमल्स हैं, खुद भी देखते हैं, ये इनकी बचपन याद आ जाता है जब भी आते हैं तो। बस आके बचपन की कोई याद ताज़ा हुई हो आपकी? बहुत ज़्यादा। क्या? यानी कि जैसे जैसे बचपन में हम अपने माँ पापा वगैरह के साथ आते थे, ठीक है, अब यानी कि बच्चों को देख के ऐसे अपना बचपन भी याद आ जाता सारा। दुखी हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे। सवाल का ठीक पूछें। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है और बीमार इंसान को लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? मेडिसिन। तंदुरुस्त में हर कोई मेडिसिन कह रहा है, बस बीमारी की वजह से मेडिसिन कही जा रहा है। तंदुरुस्त इंसान को? तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है, वो फ्री में क्यों लेगा? वो तंदुरुस्त है बेचारा, उसको क्यों दवाइयों पे लगा रहे हैं? अब अक्ल होगी फिर तो तंदुरुस्त इंसान को। सेहत, सेहत तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है। नहीं, कुछ और पूछो। यही जवाब दें आप, इसी का जवाब। इसी का जवाब दूँ? इसका जवाब तो मुझे आता नहीं है, पता ही नहीं चला। इंसान को फ्री में मिलती है और बीमार इंसान को पैसे में लेनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद महमूद।
क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये अपने छोटे बच्चों को लेकर आए हूँ। आप तो खुद भी पिंजरे के साथ लटके हुए। असल में हम भी कभी कभी देखते हैं तो इसीलिए देख रहे हैं। दूसरे शहर से आए हैं। दूसरे शहर से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। कौन कौन सा जानवर देखा आपने? तकरीबन तमाम ही देख लिए हैं। शेर देखा है, हाथी नहीं देखा। हाथी नहीं है? हाथी के बगैर चिड़िया घर सोना सोना है। हाँ तो बच्चे वही ढूंढ रहे थे, मैंने कहा लगता है हाथी नहीं है। हाथी तो कब से नहीं है? नहीं मेरे को नहीं था पता, पिछली दफा भी आए नजर नहीं आया मगर मेरे इलम में नहीं था। जी ऑब्जर्व नहीं ना करते आप चीज़ों को। अब आपको हम एक मौका दे रहे हैं आप सोचने का, ठीक है? आपने जहन लगा कर सोचना है और हम चाहते हैं आप जवाब दें उस सवाल का। पूछें। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है मगर बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सेहत ही है? नहीं। अच्छा एक बंदा पहले ही तंदुरुस्त है वो फ्री में सेहत क्यों लेगा? अच्छा फ्री में सेहत क्यों लेगा? अच्छा 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 पहले समय नहीं लगेगा। सेहत डबल हो जाएगी तो वो तो सेहत ले लेके ही ऊपर पहुंच जाएगा। एक मिनट ठहरो। क्या हो सकता है? तंदुरुस्त बंदा लेगा, तंदुरुस्त बंदे को जिंदगी मिलेगी और क्या मिलेगा, यही मिलेगा। आप भी ऐसे करके सोच रही हैं, सोचा कुछ? नहीं मुझे नहीं पता इस बात। आपको भी नहीं पता? चलें आप बता दें। मैंने तो काफ़ी सोचा। आपको कहा ना मैं, हम आपको सोचने का मौका दे रहे हैं। आपने इतनी बड़ी गलती की, दूसरे शहर से इतनी दूर से आप आए हैं और आपको पता नहीं कि यहाँ पर हाथी है। हाथी नहीं है। सॉरी तो आपने भी तो गलती कर दी ना, हाथी है। ये कि आपको लगता है कि हाथी है लेकिन नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। अब आप सेहतमंद की बात कर रहे हैं तो बहुत मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा फायदा होगा। सम से बाहर है, आप ही बता दे। मैं बता दूंगी, आप हार गए। मैं हार गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अकील शहजाद। अकील शहजाद, ये मुझे बताएं काली ऐनक क्यों लगाई? ये मैंने काली ऐनक नहीं लगाई, ये मेरी नज़र की ऐनक है। नज़र की ऐनक है लेकिन इसके ब्लैक मिरर है ना इसका? ये फोटोसन के शीशे ना इसमें, तो इसलिए। अच्छा सही हो गया, मुझे लगा ऐसे ही फैशन के तौर पर लगा। नहीं फैशन के तौर पर भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। वाह जी वाह, नज़र तो नज़र, फैशन भी फैशन। जी ठीक हो गया। कॉमन सेंस कैसी है? आंखें तो चले आपकी वीक है थोड़ी सी, दिमाग कैसे? दिमाग भी ठीक है मेरा। दिमाग वीक है या ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आंखों जैसा तो नहीं है ना? नहीं आंखों जैसा नहीं है। ठीक हो गया। अरे मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? वो दवाई होगी। नहीं तंदुरुस्त इंसान कौन सा लेता है? मैं जब बीमारी का नाम लेती हूँ तो हर कोई कहता है दवाई, तो मैं मेरी पहले वाली लाइन तो सुन लिया करें कि तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है, वो फ्री में लेता है, तो वो फ्री में दवाइयाँ क्यों खाएगा मुझे बताएं? सेहत होगी तंदुरुस्त इंसान को अल्लाह की तरफ से फ्री में मिलती है और बीमार इंसान वो पैसे दे के दवाई लेके। तो वो बीमार इंसान को भी अल्लाह की तरफ से सेहत मिलती है लेकिन वो बेचारा खराब कर देता है ना। क्यों पैसे? डॉक्टर को पैसे देता है कि मैं सही हो जाऊं दवाई। नहीं उसको वो पहले तो सेहतमंद ही होता है। पहले तो सेहतमंद ही होता है फिर बाद में तो पैसे देकर ही सेहतमंद। नहीं और पता नहीं, और नहीं मुझे पता क्या हो सकता है। सोचे समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? आपने तो कहा था दिमाग आपका ठीक है। दिमाग मेरा ठीक है लेकिन आपके सवाल की जवाब मुझे यही लगता है। नहीं ये नहीं है। फिर आप बता दें क्या है? आपके इर्द गिर्द इस टाइम मौजूद है वो चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़ैर। उज़ैर क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर, इंजीनियर होकर चिड़ियाघर में क्या करते हैं? बच्चों को हम एक रिफ्रेशमेंट दिखाने के लिए बच्चों का आए, बच्चों के लिए आए, हम तो खुद थोड़ी आते हैं। हाँ बच्चों के बहाने खुद भी आते हैं। बस खुद भी साथ इंसान इंजॉय करता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? खुराक ही होती है मुँह से जो खाते हैं। तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है हवा। तंदुरुस्त इंसान को खुराक फ्री में मिलती है? आप जो इंजीनियर बने हैं तो ये फ्री में आप खाना फ्री में खाते हैं? फ्री में तो कोई भी नहीं खाना खाता आजकल। वही ना, तो वही तो कह रहे हैं आपको। तो मैं खाना जो आप गलत है तो ठीक है मैं मानता हूँ। आई एग्री। कहीं मैं हार गया? मैं तो नहीं हारूंगा। जवाब क्वेश्चन पे किसी का जवाब कोई हिंट दें आप।
हिंट नहीं देना। नहीं हिंट देना मुझे, कोई देखे ना एमसीक्यूज में फोर होते हैं ना, फोर ऑप्शन होते हैं, आप मुझे कोई फोर ऑप्शन दें। फोर ऑप्शन से मैं आपको एमसीक्यूज आपको सिलेक्ट कर। तेज है आप। देखिए हम तो ऐसे ही पास हुए हैं। ठीक हो गया, लेकिन नहीं आप तुक्का मार दे। नहीं तुक्का मैं को थामन लेकर दूं, तुक्का हवा में तीर मार दे। हां हवा में तीर चला। नहीं अंधेरे में तीर नहीं, हवा में तीर नहीं होता। हवा में भी होता है, हवा में तीर होता है। नहीं अंधेरे में लोगे ना, अंधेरे में तीर मार दो। हवा में भी तीर है। हवा क्या पता ऊपर, हवा में तो वाई फायरिंग होती है बस। चले आप हवाई फायर मार दे। चलिए आतिशबाजी कर दें, फायरवर्क्स कर दें। आप फायर मार दिया, मैंने हवा में फायरिंग कर दी मैंने। जवाब तो दें आप, मुझे हिंट दें। फोर एमसीक्यूज मैं आपको सवाल दोबारा बताती हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? अच्छा, तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसको लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा हिंट देती हूँ, उस चीज़ के नाम के एंड में एन आता है। एन आता है विटामिन। एन विटामिन, विटामिन विटामिन इंसान। देखो आपने हिंट दिया, मैंने आपको जवाब दिया। नहीं आप एमसीक्यूज बताएं, हिंट आपने एन बताया। विटामिन तंदुरुस्त इंसान भी पैसे लेकर, पैसे देकर खरीद कुछ लेते हैं वो कैप्सूल्स की सूरत में। वो नहीं तंदुरुस्त इंसान विटामिन लेता ही नहीं है। लेते हैं काफी लेते हैं। उसको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं बीमार इंसान। आजकल विटामिन ई के कैप्सूल चल रहे हैं औरतों के रंग गोरा करने के, वो कहां है? वो तो आप लेती ना, मैं थोड़ी लेता हूं। आप मुझे लग रहा है आपने ली, मैं आप इतने गोरे। नहीं नहीं वो तो आप लेती होंगी ना, देख सकते हैं ऑडियंस देख सकती है मैं इतनी व्हाइट नहीं, इनका कलर लड़कों का कलर व्हाइट नहीं होता, तो समझ जाएं आप। फिर इन्होंने विटामिन ई के कैप्सूल खाए हुए हैं। नहीं ये देखें विटामिन ई, आपने टीके लगवाए हुए हैं। आपने लगता टीके नहीं लगवाए, लगता आपने टीके लगवाए हुए हैं ना। हार गया, चिड़ियाघर क्या कर रहे हैं? घूमने के लिए आए। घूम लिया? घूम रहे हैं अभी। घूम रहे हैं वो गोल गोल घूम रहे हैं या वैसे घूम रहे हैं? ये सबके साथ घूम रहे हैं। सबके साथ घूम रहे हैं क्या मतलब? फैमिली के साथ है और औरों को देख के खुश हो रहे हैं। औरों को देख के, औरों को या हूरों को देख के खुश हो रहे हैं? इधर हो रहे हैं, पकड़ी भी नहीं जा रही। फैमिली के सामने कह रहे हैं? नहीं फैमिली साइड पे है अभी। आज कोई हूर पकड़ी गई है या नहीं? नहीं अभी चांस लगा रहा हूँ कोई। यही काम है बस लड़कों के, और कोई काम नहीं आता। क्या करूँ मजबूर हूँ, कुवारा हूँ अभी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सब एक वैसे इन काम में बड़े दिमाग चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अच्छे काम में चला लें, चला लेंगे। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? ऐसे पहले तो बड़े टक टक जवाब आ रहे थे, अब क्या काम कर? कोई बताया ना कोई? वो कह रहा रिश्ते। हाँ हमें लड़के को फ्री में भी दे देते हैं, वैसे भी खर्चा होता है। पहले पैसे पूछते हैं अमीर लड़कों को फ्री में मिल जाए, गरीब लड़कों से पहले पैसे पूछते हैं। अमीर गरीब की तो बात हो नहीं, तंदुरुस्त और बीमार की बात। कोई और सवाल पूछ ले। इसी का जवाब नहीं, कोई और पूछ ले या इसी का। हर एक से नहीं ना पूछते, एक जवाब कौन सा आ रहा है? नहीं नहीं कोई और सवाल पूछ ले या कोई ऑप्शन दे इसका। कोई इसी का जवाब कोई दे, ऑप्शन दे, ऑप्शन दे। क्या है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है लेकिन बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? वो है हवा, ऑक्सीजन। कैसे? सारी बात जब वो होता बीमार तो उसका फिर वो ना ऑक्सीजन लेनी पड़ती पैसे दे के, और जो होता तंदुरुस्त वो तो फिर लेता ही है। थैंक यू सो मच, बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब, थैंक यू। पता नहीं ऑक्सीजन होगी। बिल्कुल सही जवाब, ऑक्सीजन, थैंक यू। तो जी व्यूवर्स कैसा लगा आज का शो? उम्मीद करती हूँ आपको शो बहुत ही पसंद आया होगा। और आज का हमारा सवाल ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तंदुरुस्त इंसान को फ्री में मिलती है मगर बीमार इंसान को उसे लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिसका आंसर है ऑक्सीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल मस्किया को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। I'm sorry.